व्हाट इज अप पीपल, दिस इज गुरजोत फ्रॉम द ऑफिशियल चैनल गुरजोत क्रिएशंस। और गाइस आपने बिल्कुल सही पढ़ा, यहां पे टाइटल और थंबनेल में बिलियन डॉलर लाइटिंग सेटअप। तो गाइस यहां पे अगर आप मेरे को YouTube और यहां पे Instagram पे करते हैं फॉलो, मेरे वीडियोस वगैरह देखते हो, तो आप देख रहे होंगे गाइस यहां पे जो लाइटिंग सेटअप है वो यहां पे बिल्कुल जो नेक्स्ट लेवल है, बिल्कुल डोप सा यहां पे लाइटिंग सेटअप है। तो इसी के ऊपर यहां पे मेरी वीडियो है यहां पे। तो गाइस चलो जल्दी से हम यहां पे देखते हैं मेरे बिलियन डॉलर लाइटिंग सेटअप को। तो गाइस यहां पे मेरा जो लाइटिंग सेटअप है गाइस यहां पे बहुत ज्यादा बेसिक है, बट गाइस उसे मैं बिल्कुल यहां पे नेक्स्ट लेवल में यूज करता हूं। तो यहाँ पे मेरे जो लाइटिंग का सेटअप है गाइस उसमें जो मोस्ट ऑफ द लाइट जो है गाइस वो यहाँ पे फोटोग्राफी और यहाँ पे वीडियोग्राफी दोनों के लिए आप यूज कर सकते हैं। बट गाइस यहाँ पे मैं जो पहली जो हमारी लाइट है वो गाइस यहाँ पे सिर्फ फोटोग्राफी में यहाँ पे मैं यूज करता हूँ, जो कि है गाइस यहाँ पे मेरा फ्लैश लाइट, जैसा कि आप देख सकते हैं गोडॉक्स का यहाँ पे मेरे पास फ्लैश लाइट है जो कि मैं यहाँ पे सिर्फ फोटोग्राफी में यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इस लाइट का यूज करके मैं बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे फोटोग्राफी यहाँ पे करता हूँ, बहुत ही अच्छी अच्छी फोटो अपनी क्लिक करता हूँ, सेल्फ पोर्ट्रेट वगैरह घर पे जो भी मैं इंडोर शूट करता हूँ, इस लाइटिंग का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो गाइस यहाँ पे ये अकेली लाइट है जो कि यहाँ पे सिर्फ फोटोग्राफी में मेरे को यूज आती है, बट गाइस बहुत ही डोप रिजल्ट देती है यहाँ पे मेरे फोटोग्राफी में। अगर इसका नाम है यहाँ पे गोडॉक्स GT5202। तो इस फ्लैश लाइट की गाइस यहाँ पे प्राइसिंग के बारे में बात करें तो गाइस यहाँ पे इसकी प्राइस मेरे को लगभग पड़ गई थी यहाँ पे 2700, बट गाइस इसके साथ मेरे और भी कई ढेर सारे यहाँ पे खर्चे हो गए थे। अगर आपको गाइस यहाँ पे पूरी डिटेल में इसकी वीडियो चाहिए इस फ्लैश लाइट के बारे में तो यहाँ पे ऊपर आई बटन पे आप क्लिक कर लो, क्योंकि जो मेरी लास्ट वीडियो थी वो गाइस यहाँ पे इसी फ्लैश लाइट के बारे में थी, यहाँ पे फ्लैश लाइट मैंने क्यों ली, इसका क्या यूज है, मेरे को इसका कितना यहाँ पे खर्चा वगैरह पड़ गया और इसके रिजल्ट कैसे है। तो गाइस यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे मैंने उस वीडियो में बताई है, ऊपर में आप क्लिक कर लो, यहाँ पे आई बटन में आप वीडियो देख लो, ठीक है। आपको इस फ्लैश लाइट का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा ना। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट लाइट के बारे में। जी गाइस यहाँ पे मेरी बहुत ही मेन वीडियो लाइट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो वीडियो लाइट है मेरी वही है वो वाली, जो कि है गाइस यहाँ पे गोडॉक्स SL60W, जैसे कि यहाँ पे वीडियो में शूट कर रहा हूँ ये मेरी ऊपर में लाइट लगी। और गाइस अगर आपको यहाँ पे रियली देखना है कि गाइस यहाँ पे लाइट मेरे को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मेरे लिए, तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये रहा इसका रिमोट और जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरी लाइट हो चुकी है यहाँ पे बल्ब, अब यहाँ से मैं फिर से इसे स्टार्ट कर देता हूँ। मतलब आप देख सकते हैं इस लाइट का यहाँ पे कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है मेरे लिए, और इस लाइट को यहाँ पे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे यूज करता हूँ, कभी कभी फोटोग्राफी में भी मैं यूज कर लेता हूँ। और यहाँ पे सिनेमेटिक वीडियो में तो यहाँ पे सबसे जो बड़ा हथियार है वही है ये। तो अगर इस लाइट के यहाँ पे प्राइस की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ये मेरे को पड़े थे लगभग 9000 के लगभग की। अगर इसके साथ यहाँ पे मैं जो सॉफ्ट बॉक्स भी यूज करता हूँ वो भी यहाँ पे मेरे को लगभग 2500 से 3000 रुपए के बीच में पड़ गया था। तो गाइस यहाँ पे वो जो सॉफ्ट बॉक्स है वो यहाँ पे अपनी फोटोग्राफी में मैं यूज कर लेता हूँ अपने फ्लैश लाइट के साथ में। तो गाइस अभी तक सिर्फ हमने यहाँ पे दो लाइट यहाँ पे कवर की है। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे दो लाइट की से तो पड़ रहे लगभग यहाँ पे 15000 रुपए के लमसम है ना, बट गाइस यहाँ पे जो मेरी नेक्स्ट लाइट है गाइस वो है यहाँ पे ये, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है गाइस यहाँ पे बेसिक्स यहाँ पे LED यहाँ पे ट्यूब, जो कि आपको मार्केट में लगभग यहाँ पे 200 से 250 रुपए के बीच में मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये जो सिर्फ 20 वॉट की यहाँ पे ट्यूब है, तो यहाँ पे ये इस लाइट को आप देखिए यहाँ पे रेड कलर की बिल्कुल से यहाँ पे ये लाइट है, और इसी टाइप की यहाँ पे गाइस यहाँ पे मेरे पास कुछ रेड लाइट है, कुछ दो तीन यहाँ पे ब्लू लाइट्स हैं, और गाइस यहाँ पे एक ऐसी जो मेरे पास व्हाइट लाइट भी है, जैसे कि मैं यहाँ पे अक्सर यहाँ पे जो जब भी मैं फोटोग्राफी करता हूँ तो गाइस उसे मैं यहाँ पे फिल लाइट के लिए यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे साइड से बहुत ही काम की यहाँ पे लाइट है, जैसे कि आप बिहाइंड द सीन वगैरह देख ही रहे हैं मेरे। अब गाइस यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि गाइस यहाँ पे तो इसके कुछ 250 रुपए 300 रुपए हो रहे, कुछ इसने 5-6 लाइट भी ले ली तो ये 1000 रुपए और क्या। बट गाइस जो इस लाइट को यहाँ पे यूज करने का आइडिया है वो है गाइस यहाँ पे बिलियन डॉलर आइडिया, बिल्कुल जैसा कि आपको बता रहा हूं। आपको गाइस सुन के काफी ज्यादा हंसी आ रही होगी, बट गाइस जिस तरीके से मैं इस लाइट को यहां पे हमेशा यूज करता हूं, आप ये देख के शायद आप थोड़ा सा इंस्पायर हो जाओगे, आपको लगेगा कि ये बिलियन डॉलर आइडिया है। सबसे पहले तो गाइस यहां पे मैंने इस लाइट को यहां पे यूज किया हुआ है अपने यहां पे डेस्क पे, जैसा कि यहाँ पे मेरा रूम है उसकी वॉल्स पे यहां पे मैंने सारे कोनों में यहां पे ब्लू कलर की स्ट्रिप लाइटिंग पूरी की हुई है। बट गाइस यहाँ पे सिंगल ब्लू कलर की लाइट यहाँ पे मेरे को काफी ज्यादा बोरिंग लग रही थी, तो गाइस यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे मैंने एक ऐसी रेड कलर की ट्यूब ली, उसे गाइस सिंपली यहाँ पे मैंने जो अपने डेस्क यहाँ पे पीछे लगा दी एकदम पीछे में करके पूरा मॉनिटर के पीछे, उसे क्या होता है गाइस पूरे गाइस यहाँ पे जो मेरे ब्लू रूम में एक रेड कलर का पॉप मेरे को देखने को मिलता है, काफी अच्छा सा मैं जो कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, रूम की वाइब यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। बेसिकली गाइस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ गाइस यहाँ पे मैं एक लाइट स्टैंड का यूज करता हूँ सिंपली गाइस, जब भी आप ये वाली लाइट लोगे गाइस तो गाइस इसके साथ आपको कुछ क्लिप्स भी मिलेंगे यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं मेटल की यहाँ पे क्लिप है एक, अगर यहाँ पे एक जो प्लास्टिक की भी क्लिप आपको मिल जाती है, इनमें से आपको कोई यहाँ पे क्लिप मिलेगी। बेसिकली गाइस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इन क्लिप्स को गाइस यहाँ पे मैं रबर बैंड के साथ, तो गाइस उसके साथ यहाँ पे मैं जो बांध देता हूँ यहाँ पे अपने लाइट स्टैंड के साथ, तो गाइस यहाँ पे उसी के ऊपर यहाँ पे मैं अपनी लाइट को यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, माउंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे उस ट्रिक से काफी बढ़िया तरीके से मैं यूज कर पाता हूँ इन लाइट्स को। लाइट स्टैंड है गाइस उनमें गाइस यहाँ पे मेरे को यहाँ पे ऊपर में जो पोल भी दिया गया, यहाँ पे एक पाइप भी दी गई है जिसपे गाइस यहाँ पे मैं जो अपने कर्टन्स वगैरह लगा सकता हूँ, जब भी बैकड्रॉप वगैरह मेरे को लगाना हो फोटोग्राफी करने के लिए कपड़ा
पौधा वगैरह लगाना हो। बस क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे मैं एक यहाँ पे पोल लगाया था, कई बार गाइस उसके ऊपर में यहाँ पे मैं लाइट लगा देता हूँ ताकि यहाँ पे ऊपर से मेरे को लाइट मिले, ऐसे ऊपर से मेरे को लाइट मिले। जैसे कि आप यहाँ पे इस फोटोशूट में आप मेरे देख सकते हो, मेरे को काफी बढ़िया से यहाँ पे हेयर लाइट देखने को मिल रही है ऊपर से हेलो टाइप का। तो उस तरीके से काफी बढ़िया से हम जो हमारी एलईडी ट्यूब्स को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे अब जो मेरी यहाँ पे जो लास्ट लाइट है वो है गाइस यहाँ पे एक जो बेसिक सा पैनल, जो कि जो RGB पैनल है वो, जो कि फिलहाल यहाँ पे मैं पीछे में यूज कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसे गाइस यहाँ पे आपको जो पीछे में टील कलर की लाइट देखने को मिल रही है। तो गाइस यहाँ पे इस RGB पैनल की सबसे बड़ी खास बात ये है गाइस, यहाँ पे आपको इसके साथ एक रिमोट देखने को मिलता है गाइस, यहाँ पे मैं इसका कलर कभी भी चेंज कर सकता हूँ। तो गाइस जैसे अगर मैंने यहाँ पे रेड रखना है तो यहाँ पे जो R वाला बटन है इस पे मैं क्लिक करूंगा, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से इसके ऐसे ही कलर RGB चेंज होते रहते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मार्केट में तो काफी ढेर सारी यहाँ पे RGB लाइट्स है, बट इसमें क्या खास है, अगर सबसे इसमें जो खास बात है वो है गाइस यहाँ पे इसका प्राइस है यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 350 से 350 रुपए के बीच में आपको मिल जाती है, और यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे मेरे को काम आती है, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे में यहाँ। और भी गाइस यहाँ पे कई जगह पे मैंने इसे यूज किया है। तो यहाँ पे इस वाले वीडियो में आप देखिएगा यहाँ पे जो ऊपर से काफी बढ़िया से यहाँ पे रेड कलर की यहाँ पे मेरे को रिम लाइट देखने को मिल रही है, बहुत ही हार्ड लाइट है जो बहुत ही बढ़िया लग रही है, बहुत ही पॉप कर रही है वो लाइट। और ऐसे मैंने कई मौकों पे यहाँ पे मैंने इस लाइट को यहाँ पे यूज किया है। तो गाइस यहाँ पे बेसिकली गाइस यहाँ पे इस लाइट को भी गाइस यहाँ पे अपने जो लाइट स्टैंड के ऊपर माउंट कर देता हूँ, वो किस तरीके से करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली गाइस यहाँ पे मैं इस लाइट को यहाँ पे बॉल हेड माउंट के ऊपर यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, जो कि गाइस यहाँ पे मैंने अमेज़न से लिया हुआ है बॉल हेड माउंट। उसे क्या होता है गाइस, जो भी आप यहाँ पे चीज अटैच करोगे अपने जो लाइट स्टैंड पे उसे आप रोटेट वगैरह कर सकते हो ऐसा। तो उसी के ऊपर गाइस यहाँ पे मैं इस लाइट को यहाँ पे अटैच कर देता हूँ बढ़िया से, उसकी गाइस यहाँ पे पोजिशन वगैरह वैसे ही मैं सेट कर लेता हूँ। और इस तरीके से गाइस यहाँ पे मैं इस लाइट को यहाँ पे यूज करता हूँ और काफी बढ़िया से मेरे को रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और यही गाइस यहाँ पे मेरा $1 बिलियन का यहाँ पे लाइटिंग सेटअप। अगर एट द एंड ऑफ द डे गाइस यहाँ पे इक्विपमेंट्स भी मैटर करते हैं, मैं जानता हूँ कि यहाँ पे थोड़े से अच्छे इक्विपमेंट्स होना जरूरी है, क्योंकि गाइस यहाँ पे हम यहाँ पे डिजिटल वर्क कर रहे हैं, हमें कैमरा चाहिए ऑब्वियसली, यहाँ पे फोन का कैमरा, कोई सा भी हमें कैमरा चाहिए यहाँ पे फोटोज को क्लिक करने के लिए, उसी तरीके से हमें कोई सी भी लाइट जरूर चाहिए। और गाइस अगर आपके पास कुछ इस टाइप की यहाँ पे जुगाड़ू लाइट्स हैं तो गाइस यहाँ पे आप जो काफी बढ़िया से आप रिजल्ट जो बना सकते हैं इन्हीं लाइट्स की मदद से। अगर फिलहाल इस वीडियो में गाइस इतना ही गाइस, आपको वीडियो पसंद है इसको लाइक जरूर करेगा, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही तो प्लीज यहाँ पे नीचे में वो कमेंट में जरूर बताना। और आपके पास और भी कोई जुगाड़ू लाइट प्लीज मेरे को बताओ, मैं कुछ और अपने जो आप स्टॉक में ऐड करना चाहता हूँ लाइट्स वगैरह। और अगर ऐसी काम की वीडियोस के लिए कर ले आप चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी काम की वीडियोस तो आती रहेंगी, बेल आइकन को यहाँ पे जरूर कर लेना प्रेस। और फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और फिर चलो बाय।